हे फ्रेंड्स, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं बी ए टेक माइंड। यदि आप बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप की तलाश में हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, ये पूरा आपके लिए ही है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले ऐप को इंस्टॉलेशन से। ओके, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप। ओके, तो ऐसा सिंबल आपको दिखेगा, इस सिंबल के ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप जो ही ओपन करेंगे तो यहाँ से ऐसा सिंबल आ जाएगा कॉर्नर में, बॉल टाइप का। वहाँ से ये पांच सेटिंग्स आएंगी आपको। सेटिंग्स में मीन्स एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा, कैमरा का ऑप्शन आएगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग कराएगा, एक स्ट्रीमिंग कराएगा, एक होम पेज कराएगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग करेंगे। सेटिंग्स ओपन होने के बाद फर्स्ट ऑप्शन है इनकोडर, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ मैजिक बटन्स, इसमें भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। स्टॉप ऑप्शन में आपको अगर वीडियो को स्टॉप करना है तो क्या क्या ऑप्शन है इसमें हम आप देखेंगे। स्टॉप बाय नोटिफिकेशन, आप नोटिफिकेशन को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे स्टॉप का आ जाएगा ऑप्शन। फिर सो रेड ब्लिंकिंग डॉट, अगर रेड ब्लिंकिंग डॉट अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देखना चाहते हैं तो यहाँ से उसको ऑन कर लेंगे। तो आई थिंक रिकॉर्डिंग में वो नहीं होना चाहिए तो मैंने ऑफ कर रखा है। स्टॉप ऑन स्क्रीन ऑफ, अगर स्क्रीन को लॉक करेंगे, ऑफ करेंगे आप, तो भी जो आपकी वीडियो है वो स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप ऑन सेक, अगर आप अपने मोबाइल को सेक करेंगे तो आपकी वीडियो क्या है स्टॉप हो जाएगी। इनेबल टाइम लिमिट, अगर आप टाइम लिमिट कर देते हैं, कुछ भी टाइम लिमिट डालिए, उसके बाद आपकी वीडियो क्या है वहीं तक जाके स्टॉप हो जाएगी। जैसे 5 मिनट का टाइम लिमिट डाला आपने तो वीडियो आपकी 5 मिनट के बाद स्टॉप हो जाएगी, राइट। अब यहाँ से बैक करते हैं, स्टॉप ऑप्शन हमने कंप्लीट कर लिया। एंड वीडियो कॉन्फ़िगरेशन में रेजोल्यूशन मैंने 1280x720 का ऑप्शन क्लिक किया हुआ है, आप 1920x1080 पे ले सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, यहाँ से रेजोल्यूशन चूज कर लिया आपने। फिर फ्रेम रेट मैं रिकमेंड करूँगा आपको 25 FPS। फ्रेम रेट आप जितना कम रखेंगे उतना ही आपका जो वीडियो की साइज होगी उतना ही कम होगी। बिट रेट भी डिपेंड करता है वीडियो के साइज पे, मैंने ऑटो सेलेक्ट कर रखा है, आप 5 Mbps कर सकते हैं। ओके, 5 Mbps करने में वीडियो की रेजोल्यूशन भी सही आएगी, क्लियरिटी सही रहेगी और क्या बोलते हैं जो उसका साइज है वो भी कम रहेगा। 3 से कम मत कीजिएगा, 3 से कम करने के बाद जो वीडियो क्लियरिटी है वो गायब होने लगती है। 5 से ही कम करेंगे तो गायब होगी, बट अगर आप उससे ज़्यादा रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ओरिएंटेशन नॉट रिक्वायर्ड, टाइम लैप्स, वीडियो स्पीड इसमें भी डिसेबल कर रखा है मैंने। फिर उसके बाद आता है इसमें ऑप्शन ऑडियो रिकॉर्डिंग का, इसमें मैं बता रहा हूँ कि ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अगर आपके पास माइक है या फिर ईयरफोन कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, तो ईयरफोन यूज़ करने के लिए रिकॉर्डिंग ऑडियो इस पर क्लिक करना पड़ेगा, आपको ऑन रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो की आवाज़ है वो एक्सटर्नल साउंड उसमें आएगा, नॉइज़ आएगी। तो बेस्ट क्लियरिटी लाने के लिए रिकॉर्डिंग ऑडियो यहाँ पे आपको ऑन रखना पड़ेगा। ओके, ओवरले इंफॉर्मेशन टेक्स्ट एंड लोगो, इस पर क्लिक करेंगे, सो टेक्स्ट यहाँ पे ऑन कर देंगे आप या फिर ऑफ भी कर सकते हैं। टेक्स्ट क्या होगा आपका, मैंने यहाँ पे प्लीज़ सब्सक्राइब लिख रखा है। ओके, तो जैसा आप चाहें वैसा लिखेगा, सो करेगा। फॉन्ट, और यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं आप, कौन सा कलर लिखें, कौन से कलर में लिखना चाहते हैं जो भी टेक्स्ट है वो किस कलर में होना चाहिए आपकी, तो मैं इसको ब्लू ले लेता हूँ।
ओके टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट की साइज अगर मैं यहाँ पर बढ़ाता हूँ 25, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, राइट। सो लोगो, अगर यहाँ पे लोगो में हम शो करना चाहते हैं तो जो इस ऐप का लोगो है वो यहाँ शो करेगा, तो रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। यहाँ आप शिफ्ट कर सकते हैं कहीं भी, तो रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको ऑफ कर लेते हैं। इमेज ऐप आइकॉन साइज, ये सब आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आता है काउंट डाउन बिफोर स्टार्ट, अगर आप स्टार्टिंग से पहले काउंट डाउन चाहते हैं, कितना काउंट डाउन चाहते हैं वो भी इसमें ऑन करेंगे आप, लास्ट ऑप्शन, तो यहाँ से ऑन हो जाएगा। ओके, सेटिंग होती है कंप्लीट। अब हम रिकॉर्ड करेंगे एक छोटा सा वीडियो इससे। ओके, यहाँ से आप क्लिक करके और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। हे फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हमने एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर की सारी सेटिंग्स कंप्लीट कर ली है। अब इस स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू अपने मोबाइल की स्क्रीन को हम रिकॉर्ड करेंगे।